दुनिया भर में आईफोन की दीवानगी देखी जा सकती है, भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत के लोगों को भी आईफोन काफी ज्यादा पसंद है और इसके लिए लोग काफी अच्छा अमाउंट पे करते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लोगों को एक नया आईफोन 13 खरीदने के लिए औसतन 3 महीने काम करना होगा, जबकि स्विट्जरलैंड में सिर्फ 4 दिन, अमेरिका में 6 दिन और सिंगापुर में 7 दिन काम करके नया आईफोन 13 खरीदा जा सकता है। आपको कितने दिन लगेंगे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि बैंक में ताला ना लगे तो क्या होगा? जी हाँ, बैंक में चोरी हो जाएगी। पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा बैंक है जहाँ पर कभी ताला नहीं लगाया गया है। महाराष्ट्र के सनी सिग्नापुर में एक यूको बैंक का ब्रांच है जहाँ पर कभी ताला नहीं लगाया जाता है, क्योंकि मान्यता यह है कि अगर कोई चोरी करेगा तो सनी देव उसका सर्वनाश कर देंगे, और इसी डर से कोई वहां चोरी भी नहीं करता और वहां के बैंक पे ताला नहीं लगाया जाता है। दुर्गा पूजा उत्सव के लिए कोलकाता काफ़ी प्रचलित है। वहां हर साल अनेकों पंडाल बनाए जाते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन पंडाल बनाए जाते हैं। इस साल भी वहां एक बेहतरीन पंडाल बनाया जा रहा है जो बुर्ज खलीफा की तरह दिखता है, और ये पंडाल सिर्फ बुर्ज खलीफा की तरह दिखता नहीं, उसी तरह ऊंचा भी है। इसकी ऊंचाई लगभग 145 फीट तक है। यह पंडाल लेक टाउन शहर में बनाया जा रहा है जो कि कोलकाता में ही है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई कहीं जाता है और अगर बिल्ली रास्ता काट देती है तो वह रुक जाते हैं और बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ मानते हैं। लेकिन चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है। दरअसल दोस्तों, पहले के समय में जब किसी भी गाड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो हम सबको पता है कि सब लोग बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, और जब लोग रात में बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से कहीं जाते थे तो जब बिल्ली रास्ता काटती थी तो घोड़ा या बैल डर जाता था और रुक जाता था, क्योंकि हम सबको पता है कि बिल्ली की आंखें रात में कितनी चमकती हैं, और इसे ही देखकर बैल और घोड़ा रुक जाता था, और फिर घोड़ा और बैल बहुत देर तक वहां से आगे नहीं बढ़ता था और फिर लोगों को बहुत देर होने लगती थी, और तभी से धीरे धीरे यह अंधविश्वास बन गया कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है। दोस्तों, आपको पता है कि हाईवे पे इतने ज्यादा टायर क्यों फटते हैं? दोस्तों, टायर के फटने में अधिकतर कारण हम ही लोग का होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार टायर में हवा 25 PSI तक भरी जानी चाहिए, पर हम इंडियंस माइलेज को बढ़ाने के लिए और फ्यूल को कम करने के लिए हवा 35 से 45 PSI तक भर देते हैं, जिसके कारण टायर के अंदर एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। इससे होता क्या है कि अगर गाड़ी बहुत देर तक चलती है और गाड़ी के टायर हीट हो जाते हैं, और हीट हो जाने के कारण अंदर की हवा भी गर्म हो जाती है और फैलने लगती है। फैलने के कारण टायर में जगह कम पड़ जाती है और वह हवा टायर को फाड़ते हुए बाहर निकल जाती है, और इसी कारण टायर ब्लास्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हाईवे पे इतने ज्यादा टायर क्यों फटते हैं? दोस्तों, टायर के फटने में अधिकतर कारण हम ही लोग का होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार टायर में हवा 25 PSI तक भरी जानी चाहिए, पर हम इंडियंस माइलेज को बढ़ाने के लिए और फ्यूल को कम करने के लिए हवा 35 से 45 PSI तक भर देते हैं, जिसके कारण टायर के अंदर एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। इससे होता क्या है कि अगर गाड़ी बहुत देर तक चलती है और गाड़ी के टायर हीट हो जाते हैं, और हीट हो जाने के कारण अंदर की हवा भी गर्म हो जाती है और फैलने लगती है। फैलने के कारण टायर में जगह कम पड़ जाती है और वह हवा टायर को फाड़ते हुए बाहर निकल जाती है, और इसी कारण टायर ब्लास्ट हो जाते हैं।